मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो विथ लविश मी। सो आज है संडे, सो सुबह सुबह उठ के तब से ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला। अभी जाके 9:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा कपड़ा धोए कि इतना दिन से बारिश हो रहा था तो बहुत सारा कपड़ा जम गया था, धोना नहीं हो रहा था, तो जाके आज बहुत सारा कपड़ा धोए हैं। एक फ़ोटो मेंशन कर देंगे आप लोगों को कितना सारा कपड़ा धोए हैं। तो अभी जाके मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, पहले नहा लेंगे दोनों, क्योंकि कपड़ा धोते धोते भीग गया है पूरा। तो अभी नहा लेंगे, देन ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ आप लोग देखिए। हाँ मैडम, बड़े फ्रेश दिख रहे हैं, लगता है नहा लिए। हाँ, तो हम नहा लिए हैं और अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिल्क के साथ ले रहे हैं। ओके, ये ड्राई फ्रूट्स है, इसमें चिया सीड रात को ही भिगो दिया था, तो वो सब है। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बनाती हूँ, जो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं मैक्सिमम टाइम ही वो ब्रेकफास्ट एज ए ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ, तो बनाऊंगी। फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे देखिए सूजी में दही मिला के थोड़ा देर के लिए रख दिया है, एंड ये सारे वेजिटेबल्स कट कर लूँगी और इसमें मिक्स कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो देख रहे हैं वेजिटेबल्स मैंने एकदम से छोटा छोटा बारीकी से चॉप कर लिया है, एंड ये जो बैटर मैंने घोल के रखा था सूजी एंड दही का, तो वो भी थिक हो गया है, तो मैं इसमें ये सारे वेजिटेबल्स को मिला लूंगी। वैसे बन क्या रहा है? ये होता है उत्तपम, चीला भी बोलते हैं, तो सूजी का उत्तपम बनता है, वो बना रहे हैं। साउथ इंडिया में इसको उत्तपम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? उत्तपम, और हम बोलते हैं इसको चीला। चीला तो इसमें थोड़ा अपना अपना स्वाद अनुसार थोड़ा सॉल्ट मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो हम लोग एक पैन बैठाएंगे एंड उस पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल देंगे। इसको इस पर देंगे, पूरा चारों ओर से स्प्रेड कर देना है, ठीक है। तो देखिए एक साइड पूरे अच्छे से पक गया है, तो इसको हम उल्टा लेंगे। इसको पक जाने के बाद 4 स्लाइस में काट लिया, एंड थोड़ा सा मायनीज एंड टोमेटो केचप के साथ मैं इसको सर्व कर ली हूँ। कितना डेलीशियस लग रहा है ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एंड ब्रेकफास्ट कर लो। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट का मज़ा लेते हुए अपना ब्लॉग देख रहे हैं। मसाला चाय बनाया हाँ, अभी तक टीवी देख रहे थे, टीवी देखना हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया, तो अब लंच बनाना पड़ेगा। और आज संडे है ना, तो बहुत आलस लगता है, लगता है कि धीरे धीरे आराम से करेंगे, एवरीडे तो फास्ट फास्ट होता ही, आज थोड़ा लेट से ही लंच करेंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी पनीर और उसके साथ फ्राइड राइस, एंड वो रेसिपी अगर आप लोग को डिटेल में देखना है कैसे बनाती हूँ, नहीं तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी। मेरा यहाँ पर खाना बन रहा है और यहाँ पर ये देखिए क्या कर रहे हैं, सारे वेजिटेबल्स काट रहे हैं। थोड़ा देख भी लो इधर, कंसंट्रेशन, हाथ उड़ जाएगा मेरा, हाथ उड़ जाएगा। ये फ्राइड राइस का वेजिटेबल्स काट रहे हैं, और यहाँ पे तो मैंने पनीर का ऑलरेडी कर रखा है। वाओ, सो दिस इज आवर लंच फॉर टुडे। ये दही है एंड ये फ्राइड राइस और पनीर बटर मसाला मैंने बनाया है, एंड साथ में मैंगो स्वीट। बाबू कैसा बना है? सुपर ऑसम। इन्होंने लगातार इतना खुश थे। सारे कपड़े मेरे आज सूख गए।
खुशी की बात है, एक बार वेदर देखिए। वाओ अमेजिंग वेदर। देखिए आज पूरा पहाड़ जो है पूरा दिख रहा है। इवनिंग से इतना देर से मूवी देख रहे थे, आज एक मूवी देखे बहुत ही पुराना, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, विवाह मूवी। मुझे बहुत पसंद है, जितना बार भी देखती हूँ उतना बार भी अच्छा ही लगता है। और शादी से पहले शायद हर लोग ही मतलब वैसा ही लाइफ चाहते होंगे कि शादी के बाद हम लोग को भी ऐसा हस्बैंड मिले, इतने आइडल। तो मैं भी वैसा ही सोचती थी बचपन में, तो वही मूवी देख रही थी। और ये यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहे हैं अपना, और मैं अभी सोच रही हूँ क्या करूँ। संडे तो ऐसे टीवी देखते खाते पीते बनाते ही चला गया, थोड़ा सोचे थे बाहर जाएंगे, देखते हैं 6 बज चुका है, तो अभी सोच रहे हैं थोड़ा बाहर जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन घर पे ही बोरिंग बोरिंग, दिमाग मेरा एकदम खराब हो गया, तो थोड़ा सा अभी बाहर निकलेंगे। घर के पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट कैफे जैसा बोल सकते हैं, तो वहाँ पे जाके चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन बस बाहर घूमने जाना है तो कहीं भी चले जाऊंगी, तो ऐसे ही थोड़ा घूम के आएंगे। निकलोगे ना? यस। चलो ना, कहाँ चलोगे? हाथ दो, दो अपना हाथ दो। अरे हतवा दे रे, काहे लिख दिया चाहत। रात तेरी बाहों में कटे तो, जो रील बनाया उसका अभी तक मेरा मतलब भूत नहीं जा रहा है। अच्छा, और एक बात, मैं अपना इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो लिंक यहाँ पे आज दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। मैं बहुत सारा रील्स भी बनाती हूँ बीच बीच में जब मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड इनका तो कोई चैनल ही नहीं है, तुमको चैनल बनाना है अपना? किस बेसिस पर, मतलब किसके ऊपर? फिजिक्स कंसेप्ट टीचिंग। हम लोग निकल गए हैं, बाइक लेके आ रहे हैं, और देखते हैं आसपास में ही कहीं जाएंगे, थोड़ा पेट्रोल भी भरवाना है, थोड़ा एटीएम से कैश भी निकालना है, तो सारे काम इकट्ठे करके आएंगे। बड़ा ही लेजी है वो लोग। कोई ऑर्डिनरी डे होता तो तुम अपना मोमो वाइफ सब चाट गए होते। मुझे तो सिलीगुड़ी का मोमो बहुत पसंद है, लेकिन अभी नहीं। आर यू आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस अगेन? अगेन हेल्थ कॉन्शियस पार्ट टू, पता नहीं, लेकिन अभी तो। अब मैं तुमको इधर उधर की चीज खाने नहीं दूंगा, इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, एक तो तुम पतले हो जाओगे और दूसरा मेरा पैसा बचेगा। तो मेरा लेमन टी आ गया एंड इनका मसाला टी। कैसा है चाय? कैसा है चाय? इसका नाम ही है टी पॉइंट, तो टी तो अच्छा होना ही चाहिए ना। मतलब तुम यहाँ पे आके भी अपना फोन चलाओगे? सब लोग देखिए कैसा करते हैं ये, इसको भी टेस्ट करके बताओ ना कैसा। मुझे चाय का उतना आइडिया नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन इससे अच्छा लेमन टी एक बार तुमको खाना है। लेकिन ये जो मसाला टी है ना, सच में अमेजिंग। ये वाला एक बार पी के देखो। ठीक है, देखेंगे। लेकिन मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो लाल चाय मुझे चल जाता है इसीलिए। अच्छा, क्या मैं आज का पूरा दिन तुम्हें डेडिकेट कर दिया?
देखिए एकदम दूर में जो लाइट दिख रहा है वो पहाड़ का पूरा लाइट दिख रहा है। देखिए मतलब आज पहाड़ इतना क्लियर है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो भी दिख रहा है पूरा। वाव, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, इज इट ट्रू कि ऐसे ही गा दिए बस? बस दिल से आवाज निकला मेरा तो। अच्छा तो चलो इस बात पे कंपटीशन हो जाए, अब हम भी एक बार गा के दिखाते हैं तुम्हारे लिए सेम सॉन्ग, लोग बोलेंगे कौन अच्छा गाता है। आ जाओ तुम, पकड़ो आप कैमरा, बैठ जाओ भी। हाँ तब आप लोग देखिए, अब हम भी गा ही देते हैं, जब वो गा ही दिए तो हम भी गा ही लेते हैं। कौन सा गाना था जो? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तुम मेरे मजाक मत। अच्छा ठीक है ठीक है, गाने दो, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं किए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, हाथ दे दो। हमको लगा पैसे मांग रहे। अच्छा नहीं गाते क्या? हाँ बहुत अच्छा गाते हो तुम तो। मजाक बना दो मेरा, ठीक है? ओ भाई इतना बेसुरा, भगवान तुमको सकल ही दिया, देखे समझे ना, फेस दिया क्या? गला वॉइस कुछ नहीं दिया मुझे। फिर आप लोग ही डिसाइड करिए कि कौन जीता और कौन हारा। देखिए मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने उनको एकदम से डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया है, तो आप लोग बोलिएगा कौन अच्छा गाया है। आई नो कि मेरा वॉइस उतना अच्छा नहीं है, उनका वॉइस गाने में अच्छा है, तो आप लोग रिजल्ट कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम लोगों का तो बाहर से आने के बाद से गाना कंपटीशन ही चले जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी वो दूसरा गाना भी गा रहे थे, तो क्या आज गाना खत्म होगा? नहीं, अंताक्षरी खेलने का मूड है क्या तुमको पूरा? और संडे हमारा ऐसे ही बीतता है, जैसे आप लोग देखें एवरी संडे ही लगभग ऐसा ही होता है, काम काम करते हैं, थोड़ा इवनिंग को बाहर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए ब्लॉग बना रहे हैं छोटा। अब सारा पूरा दिन 24 आवर्स तो आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है बेस्ट मोमेंट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और अभी डिनर करेंगे, मेरा तो पेट बहुत भरा हुआ है, क्या डिनर करेंगे आज हम? आज मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, क्योंकि इवन वो लंच में जो इतना कुछ खा लिए थे, मैंगो तो खा ही नहीं पाए थे, तो अभी इवनिंग को खाए हैं, पेट बहुत भर गया है। अभी फिर गाना गाएंगे, नहीं तुम गाओ ना, इन लोग को भी तो सुनना है तुम कितना बड़ा कलाकार हो। गाओ गाओ गाओ, सुना दे इन लोग को भी। उसका होश में होश होशी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ, ये दरिया वो जरिया वो जीने का मिले, मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले यार के अब उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर। बाप रे बाप, आज पूरा सिंगिंग मोड में है ये, आज तो मुझे लग रहा है मैं ब्लॉग कम मतलब ये सिंगिंग चैनल ज्यादा बन गया है आज मेरा। तुम्हारा गाना सुन के सबको भी लग रहा होगा, मुझे इनका गाना सुन के नींद आ गया, सुनाए जा रहे हैं
हे भगवान, आज के ब्लॉग में आप लोग सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किए हैं मुझे भी समझ आ रहा है। लगता है इनका सिंगिंग है। गूगल पे आ गया है। किसमें? इसमें मैंने इंस्टॉल किया आज। बहुत नींद लग रहा है रे। खाना खाएंगे। मुझे तो बोले आज बहुत पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं खाने का मन कर रहा है। और आप लोग बहुत दिनों बाद ऐसे हम लोग को कंटिन्यू ब्लॉग में देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा जरूर। सबसे पहले ये तुम बताओ कि 80,000 का फोन मेरे को कैसा फील हो रहा है? मतलब हार्ट अटैक होते होते बचा हूँ जब तुम बोले कि एक डेढ़ साल ये फोन यूज करोगे फिर तुमको नया फोन चाहिए। क्या बोले, मुझे मतलब एक्चुअल में कुछ और ही फोन खरीदना था, लेकिन मैं ये फोन खरीद ली और बहुत जल्दी मैं इस फोन के ऊपर एक रिव्यू वीडियो लेके आऊंगी। तो ओके, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। ये तो बड़बड़ करती रहेगी। बाय बाय।